देश में कोरोना से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। और इस बीच आपको यह भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए, क्योंकि आज बीजेपी का स्थापना दिवस भी है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री ने जब बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो उन्होंने कोरोना को लेकर उनसे 5 आग्रह किए। और इस बीच ये अपडेट भी आपको दे दें कि देश में अब तक 4067 मामले कोरोना के रिपोर्ट हुए हैं, जिनमें से मरने वालों का आंकड़ा भी 100 पार चला गया है। और ये एक बड़ी चिंता का विषय इस वक्त सरकार के लिए भी है। 503 केसेस दिल्ली में रिपोर्ट हुए और अकेले 320 केस इसमें मरकज और तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के अभी भी ये कह रहे हैं कि समुदायों के बीच नहीं फैला है, लेकिन 8 अप्रैल तक ICMR को 7 लाख एंटीबॉडी टेस्टिंग के लिए भी कहा गया है। 109 लोग इस बीच ठीक होकर घर भी, उम्मीद की किरण जरूर ये आंकड़ा भी देता है, लेकिन फिर भी संकट की यह घड़ी और 291 लोग, माफ कीजिए, घर ठीक होकर लौटे हैं और 109 मरने वालों का आंकड़ा है। अब ऐसे में सरकार भी लगातार लोगों से अपील कर रही है कि ये जो वक्त है सिर्फ लॉकडाउन और आइसोलेशन ही अभी इस बीमारी का इलाज दिखाई देता है और ऐसे में सहयोग की जरूरत है हम सभी को एक समाज के तौर पर, जिम्मेदार नागरिकों के तौर पर। और इसी बात का आह्वान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अब से कुछ देर पहले किया। प्रधानमंत्री ने आज जब कार्यकर्ताओं को संबोधित किया तो उन्होंने कोरोना के खिलाफ जंग में 5 आग्रह किए, जिसमें उन्होंने कहा कि आप सभी ये बात सुनिश्चित करें कि आपके घर के आसपास, इलाके के आसपास कोई भी गरीब भूखा ना रह जाए। जब आप मदद के लिए जाएं तो उस दौरान अपने चेहरे को, अपने मुंह को जरूर ढकें और कोशिश ये करें कि पीएम केयर्स फंड में लोग ज्यादा से ज्यादा दान देने की कोशिश करें, ताकि इस पैसे को लोगों की मदद के लिए आगे लगाया जा सके। साथियों, हमारे यहां शास्त्रों में बहुत बातें ऐसी होती हैं जो हर पल बहुत काम आती है। हमारे यहां कहा गया है, समानो मंत्र समिति ही समानी, समान मन सह चित्तम एशाम। यानी हमारे विचार, हमारे संकल्प और हमारे हृदय एकजुट होने चाहिए। यही एकजुटता, यही संकल्प भारत को विजयश्री प्राप्त करने में मदद रूप होंगे। वर्तमान परिस्थितियों में इस शक्ति का प्रभाव हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं। चाहे वो एक दिन का जनता कर्फ्यू हो या लंबे समय का लॉकडाउन का समय, या प्रत्येक भारतीय तमाम मुश्किलें उठाकर भी देश के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है, और वो खुद को भी बचाने के लिए काम कर रहा है, देश को बचाने के लिए काम कर रहा है। भारत जैसा इतना बड़ा देश, 130 करोड़ लोगों का देश, लॉकडाउन के समय भारत की जनता ने जिस तरह की मैच्योरिटी दिखाई है, गांभीर्य दिखाया है, यह अभूतपूर्व है। हम भारत के कोटि कोटि जनों का जितना नमन करें उतना कम है। कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि इतने विशाल देश में लोग इस तरह अनुशासन और सेवा भाव का पालन करेंगे। साथियों, आज देश का लक्ष्य एक है, मिशन एक है और संकल्प भी एक ही है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई में विजय, लड़ाई में जीत हमारे तो संस्कार है, हमारे खून में, हमारे रगों में है। हमें तो एक ही मंत्र सिखाया गया है, दल से बड़ा देश है। और देश का मतलब है 130 करोड़ मेरे देशवासी। पूरी मानव जात के लिए भी 130 करोड़ देशवासियों की जिंदगी की रक्षा, उनका कल्याण, वो मानवता की रक्षा का भी कारण बनता है। और इसलिए देश के लिए इस कठिन घड़ी में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं पर
राष्ट्र सेवा और मानव सेवा का दायित्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो प्रधानमंत्री लगातार ये कह रहे हैं कि दायित्व इस वक्त हर नागरिक का बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमें मिलकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़नी है। लेकिन इस बीच दिल्ली में एम्स के डायरेक्टर ने एक बड़ा दावा किया है। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया का कहना है कि कुछ जगहों पर कोरोना वायरस समुदायों के बीच फैल गया है। लॉकडाउन के 13 दिन बाद भारत की क्या स्थिति है, इस वक्त किस स्टेज में है हम, और कब उम्मीद कर सकते हैं कि स्थिति सामान्य होगी, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। सर, पहला सवाल मेरा यही, इस वक्त हम कौन सी स्टेज पे है, अभी इतने दिनों बाद लॉकडाउन की कैसे आप लोग देख रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है नहीं हुआ है? तो ये अगर हम दुनिया के हिसाब से देखें तो हमारी स्टेज अभी भी बेटर है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ केसेस बाहर रिपोर्ट हो रहे हैं वो अब टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, लेकिन उसमें कोई इतना ज़्यादा स्पाइक या इंक्रीज नहीं हुआ है। लेकिन चिंता का विषय भी है, क्योंकि कहीं कहीं हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं जहाँ पे केसेस एकदम बढ़े हैं कुछ दिनों में, और हमारा जो डबलिंग टाइम था, मतलब केसेस जो कितने दिन में डबल होते हैं, वो थोड़ा सा बढ़ा है। तो इसलिए हमें थोड़ा सा एग्रेसिव रहने की ज़रूरत है कि हम कम्युनिटी स्प्रेड जो कुछ एरियाज में लोकलाइज्ड हो रहा है उसको वाइड स्प्रेड ना होने दें। और लॉकडाउन से यही फायदा होगा कि अगर हम लॉकडाउन को एग्रेसिवली फॉलो करें, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस लॉकडाउन का जो बेसिक प्रिंसिपल है ऑफ स्टेइंग एट होम एंड नॉट गोइंग आउट, वो हर एक वर्ग के लोग फॉलो करें, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। आप कह रहे हैं कि कुछ जगहों पर कम्युनिटी स्प्रेड हो रहा है, तो अभी क्या माने, हम स्टेज 2 में है, स्टेज 3 में है, आखिर कहाँ इस वक्त भारत की क्या स्थिति है? तो मेरा मानना है हम दोनों स्टेजेस के बीच में हैं। ज्यादातर भारत में अभी भी हम स्टेज 2 में हैं जहाँ कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। कुछ एरियाज हैं जो हम हॉटस्पॉट्स कहते हैं, जहाँ पे कुछ हद तक लोकलाइज कम्युनिटी स्प्रेड है, और उसको अगर हम कंटेन कर पाए और आगे और जगह ना फैलने दे तो हम स्टेज 2 में ही ज्यादातर रहेंगे। अगर आप हमें बता सके ये हॉटस्पॉट्स कौन से हैं, जैसे कल दिल्ली में ही 58 केस आए, जिसमें से 25 केस ऐसे थे जो अनट्रेसेबल हैं, यानी 40% केसेस ऐसे हैं जिनकी कोई भी, जिनका तबलीगी जमात से भी कोई लेना देना नहीं है, तो क्या माने, क्या ये कम्युनिटी स्प्रेड कहा जाएगा इसे? तो कुछ हद तक अगर आपका कोई ऐसा केस आए, नंबर ऑफ केसेस ऐसे हों जो आप ओरिजिनल जहाँ से शुरू हुआ है और उसको ट्रेस नहीं कर पा रहे, तो वो एक लोकलाइज कम्युनिटी स्प्रेड है। अगर हम देखें तो कुछ हद तक केसेस इस तरह के मुंबई में भी हैं और कुछ और स्टेट्स हैं जहाँ पे लोकलाइज स्प्रेड है, लेकिन अगर हम पूरे भारत के नक्शे को देखें तो इतना ज़्यादा ये नहीं है। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि कुछ एरियाज में लोकलाइज स्प्रेड का शक है, क्योंकि जैसे आपने अभी कहा कि कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये कहाँ से आए हैं और कहाँ से स्प्रेड इनका हुआ है। तो ये जो है इनडायरेक्ट इंडिकेशन हो रहा है कि अर्ली कम्युनिटी स्प्रेड इन सम पॉकेट्स मे बी स्टार्टिंग, एंड दैट इज वाई वी नीड टू बी More vigilant right now. दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी आज तक से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि दिल्ली में अभी कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड नहीं हुआ है। दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन मेरे साथ इस समय हैं। जो केसेस आ रहे थे, सबसे ज्यादा चिंता की बात थी मरकज के केसेस को देखते हुए, फिलहाल राजधानी की स्थिति कैसी है? दिल्ली में कुल 503 केसेज अभी तक पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से 320 मरकज के हैं। अभी मरकज के गए कुछ लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है जो हॉस्पिटल में हैं। इसके अलावा जो क्वारंटाइन सेंटर में रखे गए 1810 लोगों को, उनकी भी सबकी सैंपलिंग कराई जा रही है, तो वो 2-3 दिन में वो रिपोर्ट सारी आएंगी। एक सवाल ये भी उठ रहा था, आप गवर्नमेंट की ओर से पुलिस को चिट्ठी लिखी गई थी, कई हम और स्टेट्स में देख रहे हैं कि जो पेशेंट वहाँ से निकाले गए, मरकज के जो लोग निकाले गए, उनका एटीट्यूड जो मेडिकल स्टाफ है उनको लेकर के गलत था, क्या आपको भी इस तरह की शिकायत मिली? हाँ, इस तरह की शिकायतें मिली हैं, थोड़ा बिहेवियर प्रॉब्लम्स हैं, और उसके रीज़न, दो रीज़न खास तौर से लगते हैं। एक तो लैंग्वेज प्रॉब्लम है ज़्यादा, दूसरा वो चाहते ही नहीं है कि उनका इलाज किया जाए, तो समस्या तो है। इसमें इन्फेक्शन के केसेस जो बढ़े थे वो मेडिकल स्टाफ को भी पड़े थे, कई सारे डॉक्टर्स को, मोहल्ला क्लिनिक से लेकर के कैंसर इंस्टीट्यूट तक के डॉक्टर्स को थे, उसमें स्थिति में इस समय उसकी स्थिति क्या है? हाँ, देखिएगा जो हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर्स हैं उसमें भी कई लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। सफदरजंग के भी 2 डॉक्टर हैं, एक हमारे पटेल इंस्टीट्यूट पटेल नगर में हॉस्पिटल है उसका भी एक डॉक्टर है, और दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट के एक डॉक्टर हैं, और 6 स्टाफ मेंबर भी उसके पॉजिटिव पाए गए हैं, तो कुल मिला के 10-12 लोग हैं।
ये जो मैं डेटा देख रहा हूँ कि 503 केसेस हैं दिल्ली में, उसमें मरकज के अकेले 320 हैं, क्या ये अभी और बढ़ सकता है? क्योंकि 50% से ज्यादा केस सिर्फ एक क्लस्टर से निकल के आए हैं, क्या गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि ये अभी क्लस्टर और बड़ा हो सकता है, और जो लोग जिनका टेस्ट नहीं हो पाया है सेंटर्स में, कई लोग बाहर हैं, उन तक आप कैसे पहुँच रहे हैं? नहीं, सबको हमने क्वारंटाइन कर लिया है, कोई बाहर नहीं है। हमने वहाँ से देखिएगा 2346 लोगों को बाहर निकाला था, सारे के सारे लोगों को या तो अस्पताल में रखा गया या क्वारंटाइन सेंटर सरकार के, मतलब प्राइवेट, उनको घर नहीं भेजा गया किसी को, सरकार के उसमें है, कस्टडी में है। फिलहाल यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। चलिए ब्रेक पर जाएं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें, कोरोना फैलने के डर से लखनऊ में कसाईबाड़ी इलाके को पूरी तरह सील कर दिया गया है। लखनऊ से ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। लखनऊ के कसाईबाड़े इलाके को पूरी तरीके से सील किया गया है। जो पुलिसकर्मी आप देख रहे हैं, पुलिस के ये तमाम लोग लगातार बैठे हैं कि इस इलाके में कोई न अंदर जा सके और ना ही कोई बाहर आ सके। हालांकि गलियों में चहलकदमी हम देख रहे हैं, कई ढेर सारे पुलिस वाले मौजूद हैं। ये बताइए सर कि इसको आप लोगों ने सील किया है पूरी तरीके से? जी सर। तो इसका मतलब क्या है? कोई अंदर से बाहर नहीं जाए, बाहर से अंदर नहीं जाए। तो ये मेंटेन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। गलियों के भीतर लोग अपने घरों के बाहर टहलते घूमते दिखाई दे रहे हैं, उनको मना कर रहे हैं आप लोग? मना कर रहे हैं, बिल्कुल मना कर रहे हैं। और भी लोग हैं, आप लोग को पूरी तरीके से इस इलाके को सील करके आपने रखा है? हाँ, क्योंकि लोग घरों में ही रहें, जिससे इनका जो है संक्रमण आगे ना बढ़े। तो यहाँ के लिए क्या खास आदेश है कि इस इलाके के लोगों को नहीं निकलने देना है? हाँ, कसाईवाड़ा क्षेत्र में यही आदेश हुआ है, क्योंकि यहाँ संक्रमित लोग मिले हैं। अच्छा। इस वजह से अंदर बाहर आने जाने पर रोक है, ताकि दूसरी जगह ये संक्रमण ना फैले। ये लोग मान रहे हैं इस चीज को? हाँ, बिल्कुल मान रहे हैं, मान रहे हैं। कल तो हालांकि कुछ जो स्वास्थ्य कर्मी आए थे, उनको लोगों ने घुसने नहीं दिया था, उनके साथ बदसलूकी हुई थी। कल हम लोग नहीं थे। तो आज की जो स्थिति है वो बेहद साफ है कि इस कसाईबाड़े इलाके को, जो कि सदर बाजार का इलाका है, चूंकि इसे लॉकडाउन के अलावा अलग से सील किया गया है और इसमें किसी की आवाजाही नहीं है, सब कुछ प्रतिबंधित है, इसलिए यहाँ पुलिस की मौजूदगी भी बड़ी तादाद में देखी जा रही है, क्योंकि ये वो इलाका है जो लखनऊ के COVID-19 यानी कि कोरोना मरीजों का सबसे बड़ा एपिसेंटर बना हुआ है। संजय सिंह के साथ कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक। दिल्ली में कोरोना के संक्रमण के जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं, वैसे में अब MCD की तरफ से ये कदम उठाए जा रहे हैं कि जिन घरों में पॉजिटिव केस आए हैं उन केसेस को देखते हुए अलग अलग जगहों पर सैनिटाइज किया जाए। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर MCD की जो टीम है वो लगातार ये कोशिश कर रही है। ये इलाका निजामुद्दीन के आसपास का इलाका है और मस्कत से कुछ ही दूरी पर ये इलाका मौजूद है, और अब ये कोशिश की जा रही है MCD की टीम की तरफ से कि जो लोग भी यहाँ पर केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं उन सभी जगहों को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाए। और यहाँ आप देख रहे हैं कि जो MCD की टीम है वो यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर्स के साथ यहाँ पर आई हुई है पूरी ये टीम, यहाँ पर PPE किट के साथ मौजूद है, और ये सारे लोग अब यहाँ से जा करके अलग अलग जगहों पर पहुंचेंगे और ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जाए। ये बताइए सर कि अब क्या कोशिश है, किस तरीके से आप लोग कदम उठा रहे हैं? बेसिकली हमारी यही कोशिश रहेगी कि पहले तो लोगों में पैनिक ना हो, जहाँ भी पॉजिटिव केस हैं, एक तो वो जो है एक सस्पेक्ट है हमारे लिए और वो फैला भी सकते हैं बीमारी, तो हम इसीलिए उसके घर में स्पेसिफिकली बंदों को PPE किट बनाकर भेज रहे हैं ताकि वो वहाँ के उसके घर को सैनिटाइज कर सके। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो टीम है इन लोगों की MCD की, वो बाकायदे यहाँ पर PPE ड्रेस पहन करके पहुंचे हुए हैं, और इनका सिर्फ यही मकसद है कि उन इलाकों में खासतौर से जहाँ पर ऐसे केसेस ज्यादा पाए गए हैं, जिसमें निजामुद्दीन का इलाका है जो मरकज के आसपास का एरिया है, उस एरिया को पूरी तरीके से सैनिटाइज किया जाए। यही नहीं, दिल्ली में जिस तरीके से केस ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसमें कोशिशें की जा रही है कि जो भी गलियां हैं उन गलियों में इस तरीके से सैनिटाइजेशन का काम किया जाए, जिससे कि कोरोना वायरस का संक्रमण दिल्ली में ना फैल सके। कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। कोरोना के लिए प्राइवेट लैब को सरकार ने जांच किट और टेस्ट की इजाजत दे दी, लेकिन दिल्ली में मशहूर डॉक्टर डैंग के लैब में किस तरह का प्रयोग हो रहा है, ये हम जानने के लिए इस वक्त सीधे चलते हैं हमारे सहयोगी मौसमी के पास। उनके साथ इस वक्त डॉक्टर मौजूद भी हैं। मौसमी, देखिए लगातार जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, सवाल भारत के परिप्रेक्ष्य में यही उठ रहा है कि क्या हम इतने टेस्ट कर पा रहे हैं कि जिसके हिसाब से संक्रमण का आंकड़े को सही सही जांचा और परखा जा सके। क्या कह रहे हैं डॉक्टर इस पर?
देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, आज तक में आप देख रहे हैं पहली बार जो ड्राइव थ्रू लैब टेस्टिंग जो है वो शुरू हो रही है, और डॉक्टर डैंग यहाँ पंजाबी बाग के इलाके में शुरू हो रही है। यही वजह है कि हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, डॉक्टर अर्जुन डैंग हमारे साथ बैठे हैं, और हम पूरा आपको सैंपल दिखाएंगे किस तरह से एक डेमो के जरिए कि किस तरह से आप अपने घर से निकल के पूरा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद ये पार्किंग लॉट ऑन करनी है आपको, और आप यहाँ पे आके अपना सैंपल दे सकते हैं। यानी कि आपके घर टेक्नीशियन नहीं आएगा, आप प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए, गाड़ी में दो से ज़्यादा लोग ना हो, और ये फैसिलिटी पहली बार भारत में इंप्लीमेंट हो रही है। आज तक में ये आप रिपोर्ट देख रहे हैं, हम गाड़ी के जरिए पूरा ये डेमो आपको दिखा रहे हैं, ये एक डमी पूरा डेमोन्स्ट्रेशन है। डॉक्टर अर्जुन डैंग से हम पूछते हैं, डॉक्टर अर्जुन ये गाड़ी के सामने ये एक लाल चेन लगी हुई है, सैनिटाइजेशन चल रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे? सीईओ है डॉक्टर डैंग्स लैब के, आइए उनसे पूछते हैं, बताइए। तो आप जब रजिस्टर कर लेते हैं वेबसाइट पे आपकी सारी डिटेल्स के साथ और व्हीकल नंबर के साथ, हम आपको एक इंस्ट्रक्शन नोट्स भेजते हैं और हमारी टीम आपको एक्सप्लेन करती है कि प्रोसेस कैसे होता है। हम चाहते हैं कि आप उसी व्हीकल में आए जो आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा है, यानी कि गाड़ी की नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, रंग सब बताना होगा जी, ताकि हम यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पे वो कंफर्म करें। जब आप हमारी लेन एंटर कर देते हैं, ये सामने आप देख सकते हैं अबाउट 30 मीटर्स की ये लेन है जो हमने कॉर्डन ऑफ करी हुई है फॉर दिस, और जब आप ये एंटर करते हैं आपकी गाड़ी का नंबर सबसे पहले वेरीफाई होता है, आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई होती है, देन आप अंदर प्रोसीड करते हैं। ठीक है, हम थोड़ा अंदर चलते हैं, आपको बता दें साउथ कोरिया, UAE, जर्मनी में ये मॉडल इस्तेमाल हो रहा है, और पहली बार भारत में आप देख रहे हैं आज तक पर अपने स्क्रीन पे कैसे आप सैंपल कलेक्शन के लिए ड्राइव थ्रू के जरिए अपना सैंपल दे सकते हैं, तो पूरी एरिया को सैनिटाइज किया जाता है। जी, बिफोर एंड आफ्टर एवरी बुकिंग हाइपोक्लोराइट इज यूज्ड टू सैनिटाइज एंड डिसइंफेक्ट द प्लेस, एंड जब आप यहां पहुंच जाते हैं आप यहां साइनेजेस देख सकते हैं कि आपको अपनी गाड़ी इस व्हाइट बॉक्स के अंदर पार्क करनी है। ये देखिए एक साइनेज है, शकील दिखाएंगे, काइंडली पार्क द कार इन द व्हाइट बॉक्स, एक पूरी रेक्टेंगल जैसा बॉक्स है, ठीक बैठा है अभी जी, इस तरह से पार्क जी, आप जब पार्क कर लेंगे उसके बाद हमारे टेक्नीशियन आपके पास आएंगे और एक और साइनेज दिखाएंगे जी। तो हम थोड़ा पार्किंग में लगाते हैं इसको, थोड़ा पीछे करते हैं, और टेक्नीशियंस यहाँ पे हैं जी, की विंडो ऊपर ही होनी चाहिए जब तक हम आपको बोले ना। अच्छा, विंडो ऊपर रहेगी, इस तरह से बंद रखिए, अपनी विंडोज बंद रखिए। अब वो आके आपको ये वाली साइनेज दिखाएंगे और आपको बोलेंगे कि अपनी विंडो डाउन कर लीजिए। क्या कहता है साइनेज? साइनेज बोलता है कि आप अपनी विंडो डाउन कर लें, अपना सर थोड़ा सा पीछे कर लें, और आपको सारी क्लैरिटी दी जाती है कि दो स्वाब ले जाएंगे, एक आपके थ्रोट से और एक आपके नोज से। जब आपको थम्स अप मिले तो आप अपनी विंडो डाउन करें। तो थम्स अप हमें मिला इस तरह से, और आपको पीछे रहना है, ऐसे पीछे लीन करके दो स्वाब्स लिए जाएंगे, टेक्नीशियन आगे आएंगे, नमस्कार कर रहे हैं, और इस तरह से आपको इंडिकेशंस दिए जाएंगे, यो थम्स अप दिया जाएगा, फिर आप तैयार हो जाइए अपना सैंपल टेस्ट कराने के लिए। जी, अभी अपने हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं और उसके बाद वो स्वाब लेंगे नोज से एंड थ्रोट से, एंड देन उसे VTM में डालेंगे जो वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया। जी, आपने मास्क पहना होगा, वो उतारा जाएगा पहले, उसके बाद हेड को लीन बैक करके दोनों स्वाब्स लिए जाएंगे, एंड देन एक बार आप जब दोनों स्वाब्स ले लेंगे उसमें ट्रिपल पैकेजिंग की जाएगी, एंड इट विल बी शिप्ड इन कोल्ड चेन मेंटेनेंस टू द मेन लैब फॉर टेस्टिंग। लगातार आज तक दर्शकों के पास वो जानकारी पहुंचा रहा है जो आपको इस पूरी महामारी से सचेत करे, और किस तरह से पहली बार ड्राइव थ्रू के जरिए टेस्टिंग होना, ये मास्क हटाना पड़ेगा और लीन करना है पीछे। अच्छा अच्छा, पीछे ये इस तरह से ऐसे, ओके, हम ये हटाते हैं, ऐसे लीन करते हैं, ये ठीक है जी, और ये देखिए नेजल स्वाब, इस तरह से नेजल स्वाब लिया जाएगा, ठीक है। तो नेजल स्वाब लिया जाता है, ये कोई ब्लड टेस्ट नहीं है, पर एक स्वाब से काफ़ी नहीं है, नेजल स्वाब के साथ साथ दूसरे स्वाब की भी तैयारी हो रही है, उससे पहले उसको पैकेज किया जाता है ताकि वो बिल्कुल कंटामिनेट ना हो। आपको पता है कि इसको जो है बहुत केयरफुली एक ट्रिपल लेयर्ड पैकिंग में लैब पहुँचाया जाता है, इसके बाद दूसरे स्वाब लेने की तैयारी हो रही है, और इस तरह से आप अपनी सीट पीछे करते हैं जी।
शुक्रिया। तो इस तरह से आपका थ्रोट का स्वाब लिया जाता है, ये दोनों स्वाब्स के जरिए टेस्टिंग होती है, उससे आपको पता चलेगा कि 24 घंटे में रिपोर्ट आती है। 24 to 24 to 36 hours जी में रिपोर्ट आपको ईमेल और वेबसाइट पे मिल जाएगी। दैट इज द फाइनल साइन है जब आप एग्जिट करते हो, एग्जिट वाले बोर्ड पे सारी इन्फॉर्मेशन दीजिए। कितना समय लगेगा, क्योंकि अगर रियल टाइम में देखें बुकिंग से लेके अभी जब हम लोग आए हैं तो 5-10 मिनट में काम हो गया है, पर पहले से ही बुकिंग करनी पड़ेगी? जी पहले से बुकिंग करनी पड़ेगी। जो इसकी पेमेंट भी है वो भी गवर्नमेंट मैंडेटेड प्राइस 4,500 पे है, और पेमेंट के लिए भी हम सिर्फ ऑनलाइन एंड ई पेमेंट्स एक्सेप्ट कर रहे हैं टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ कॉन्टैक्ट थ्रू द वायरस ऑन करेंसी नोट्स एटसेट्रा। एंड एक बार ऑनलाइन जो होगा फॉर्म पूरा भरना है? जी जी पूरा फॉर्म भर के उसमें डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन गवर्नमेंट आईडी लगा के ई पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद जब आप यहाँ पहुँचते हैं एक गाड़ी को एक कलेक्शन को हमने 20 मिनट का स्लॉट दिया है, बट हमारा प्रोसेस जैसे आपने देखा 8 से 10 मिनट के बीच में खत्म हो जाता है। वो एक्स्ट्रा हमने बफर रखा है ताकि देयर इज नो क्राउडिंग इन द प्लेस। फिलहाल हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें आगे जारी रहेंगी, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।